राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन के नाम से ये जनसभाएं कर रहे हैं। 17 तारीख को वे हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में पहुंचने जा रहे हैं। सचिन पायलट के इन सभाओं से राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और वे कितना प्रभाव यहाँ के युवाओं पर डालेंगे, किसानों पर डालेंगे, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम पहुँचे हैं कुछ किसानों के बीच में, कुछ युवाओं के बीच में, इनसे जानते हैं। हाँ जी, आप बताएं, जिस तरह से अब सचिन पायलट का दौरा है, 17 तारीख को राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आ रहे हैं, क्या मानते हैं इस दौरे से क्या परिवर्तन होगा? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, अभी जो पीलीबंगा दौरा उनका, ये एक युवा में संदेश जाएगा। युवा उनके बहुत चाहते हैं, तो हम सभी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे जो युवा साथी हैं सारे के सारे उनके साथ में खड़े हैं। और राजस्थान में उनका पूरा प्रयास रहेगा और अभी उन्होंने दौरे शुरू किए हैं, पूरे राजस्थान में वो घूमेंगे, जिसे राजस्थान में जो 2023 के अंतिम में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इसमें कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, इसी मकसद से वो सारे पूरे राजस्थान में जगह जगह दौरे कर रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो आपसी मनमुटाव है, ये लड़ाई है, जग जाहिर है। क्या मानते हैं सचिन पायलट की इन सभाओं से वो दूरियां कम होंगी? मेरे ख्याल से कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार के अंदर हमारा जो कांग्रेस परिवार है इसमें सबको अधिकार है अपनी बात बोलने का, अपने मन की बात बोलने का। अगर उनमें कोई किसी बात को लेके मतभेद है तो वो भी वो एक दूसरे से सामने प्रकट करते हैं, पर हमारा ये नहीं है कांग्रेस पार्टी में भी किसी बात को लेके खींचतान है। उन्होंने चाहे अशोक जी गहलोत ने उन्हें सचिन जी पायलट को गुस्से में चाहे कुछ भी कहा, पर हमेशा उन्होंने उनका आदर मान सम्मान किया है और पूरी पार्टी हमेशा सचिन पायलट के साथ में पहले भी खड़ी थी और आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में दोबारा 2023 में रिपीट करेगी। तो इनका मानना है कि 2023 के अंदर जो राजस्थान में है कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रही है, और आपसी मनमुटाव के भी इन्होंने कहा है कि एक परिवार है, परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उनमें इतनी बड़ी दूरियां हैं कि वे मिले ना और पार्टी को नुकसान हो। आप बताएं क्या मानते हैं इस बार? देखो, अभी चुनावों के बाद पता लगेगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल सचिन जी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मनीष जी, एक बात बताइए, किसान सम्मेलन के नाम से ये सभाएं की जा रही है और किसानों के जो कर्जे की बात थी, कर्ज माफी की बात थी, वो अभी तक माफ नहीं हुआ है। किसान यहाँ तक कि आत्मदाह करने की चेतावनी दे चुके हैं। आप भी उससे अच्छी भली भांति परिचित है, और जो उन्होंने किसानों ने आरोप लगाए हैं कि जो बैंक ऋण तो दूर, जो उनके मूल है उनके लिए उनको बार बार नोटिस भेज रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में जब राहुल गांधी जी आए थे उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी, तो राजस्थान सरकार के अंडर में जो ग्राम सहकारी समिति के जो बैंक हैं, भूमि विकास बैंक, जो गांव में जो बैंक होते हैं वहाँ पे किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, 2-2 लाख के तक के कर्जे अभी राजस्थान सरकार ने वो माफ़ भी किए हैं। और जो केंद्र सरकार के अंडर में जो बैंक आते हैं उनके कर्जे तो केंद्र सरकार के हाथ में, वो माफ़ करना तो उन्होंने पूरा प्रयास भी किया है। और रहेगी बात, एक राहुल गांधी जी की बात आप सबको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी ने भी बोला था भाई 15-15 लाख रुपये के किसान के खाते में आएंगे, वो आए क्या? उन्होंने भी बहुत लोगों को जुमले दिए थे, वो एक भी बात आज तक नहीं हुई। आय दुगनी की बात की थी, तो ये किसान है जो बीजेपी की केंद्र सरकार की वजह से 12 महीने तक हम किसान सारे के सारे देश की बॉर्डरों पे पड़े रहे, उन्हें उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, तो वो किसानों की बात, वो बीजेपी क्या किसानों के बारे में कुछ अच्छा किया आप भी बताएं? क्योंकि सबको ये एक बात दिखाई दे रही है, अभी राहुल गांधी ने ये बात की, तो राहुल गांधी जो बात की थी 1000 करोड़ रुपये जो ग्राम सहकारी समितियों ने कर्जा है वो माफ़ भी हुआ राजस्थान सरकार में, तो फिर नुकसान तो आम जनता का हो रहा है, किसानों को हो रहा है। भले ही आपने जिस तरह से कहा कि मोदी जी ने भी काफ़ी वादे किए थे, राहुल गांधी ने भी एक वादा करके चले गए, तो नुकसान तो किसानों को ही हुआ है। नहीं, राहुल गांधी ने जो वादा किया वो राजस्थान सरकार के अंडर में जो बैंक आते हैं उनका कर्जा माफ़ किया है। और रही बात किसान की, तो किसान जिस दिन अपनी ये बात सोच लेगा भी हमारा काम पे नुकसान हो रहा है, जिस दिन किसान एक एक जगह इकट्ठा हो जाएगा उस दिन किसान अपनी बात भी उठाने लग जाएगा। अरे, इस किसान आंदोलन जो देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, इससे हम किसानों को अपनी एक जात का पता चला भी हम भी कुछ चीज़ हैं, पूरा किसान को एकता करने की। आज कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी किसान के, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, चाहे भी कोई किसी भी फसल को लेके कोई बात हो, तो हर जगह किसान इकट्ठा होने लग गया। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से सारे किसान एक छत के नीचे एक जगह खड़े होने लग गए और अपनी बात बोलने लग गई। मतलब साफ है कि आंदोलन करने पड़ते हैं हक हक के लिए भी। किसान आंदोलन हुए, अब इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बाद में किसान एकत्रित हुए, एकजुट हुए हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए अब वे एकजुटता से खड़े हैं। आप बताएं, सचिन पायलट जो यहाँ पहुँचेंगे पीलीबंगा में,
उससे कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा और राजस्थान में जो सरकार आएगी उसको कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना है भी आगे आने वाले टाइम में युवा को ही नेतृत्व देना चाहिए और जिसमें सचिन पायलट खड़े उतरते हैं, और मैं यही कहता हूँ सचिन जी को आगे लग के प्रचार प्रसार करना चाहिए और वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रचार करें। तो अशोक गहलोत जी इतने परिपक्व है, इतने पुराने जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, तो उनका साथ तो उनको चाहिएगा और उनके बीच की जो गुटबाजी है वो? देखो जी, अशोक गहलोत के आशीर्वाद से ही उनको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी काफ़ी ही उम्र दराज हो चुके हैं, उनको केंद्र में कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इनका मानना है कि अशोक गहलोत जी उम्र दराज हो चुके हैं, उन्हें केंद्र में जाना चाहिए, केंद्र में स्थापित करना चाहिए, कोई बड़ा पद उन्हें देना चाहिए और यहाँ जो युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और भी लोग मौजूद हमारे साथ, आप बताएं जी क्या मानते हैं, जो ये दौरा है सचिन पायलट जी का पीलीबंगा में, उसको लेकर कितना परिवर्तन आप देखते हैं? देखो, सचिन जी आ रहे हैं, वो एक यूथ आइकॉन है, पूरे युवाओं में उनकी पकड़ है, राजस्थान में उनका बड़ा प्रभाव है। और रही बात आप अभी बोल रहे थे जैसे कि दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी, तो राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक रही, पूरा जन सैलाब उबड़ा और सचिन पायलट जी, गहलोत जी सब सारे साथ मिलकर चल रहे थे। गुटबाजी तो आपको पता है कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा है, जैसे वसुंधरा राजे जी है, सतीश पूनिया जी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, ये चार पाँच गुटों में बटी हुई है। और सिर्फ ये एक बहाना बना रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 में दोबारा फिर कांग्रेस रिपीट करेगी और आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है और अभी भी कांग्रेस का है। किसान सम्मेलन के नाम से आंदोलन ये सभाएं कर रहे हैं सचिन पायलट जी, किसानों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखो, कांग्रेस ने अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है उन्होंने जो घोषणाएं की है किसानों के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनमें जो उन्होंने जो लोन जो बिने कर्जे जो कर्जा माफ़ किया है, और जो अभी भी जो उनमें सोसाइटी में पैसे जो मिल रहे हैं डेढ़ लाख तक के लिए, जो जिनमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं है, तो किसान इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 17 तारीख को आप देख लेना, बड़ा जन सैलाब उबड़ेगा, सचिन जी के समर्थन में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है सचिन पायलट जी की, उनके बाद में ये सभाओं का दौर शुरू हुआ है, तो क्या राहुल गांधी जी ने कोई संकेत दे दिया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है सचिन पायलट रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी जी का ऐसा कोई भी बयान भी नहीं आया। और हाँ, ये जरूर है भी जो आला कमान तय करेगा वही आगे जो CM रहेगा। अभी तो सरकार है वो माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चल रही है और अच्छी पकड़ है राजस्थान के अंदर, और दोबारा उनके नेतृत्व में रिपीट भी करेगी। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो जो आला कमान चाहेगा वही मुख्यमंत्री होगा। आला कमान जो निर्णय लेगा वही सर्वोपरि होगा। आपसे पूछना चाहूँगा, आप नहीं बताएंगे कुछ, तो सचिन पायलट की सभा को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है, आम लोगों में भी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, और उनका मानना है कि इस बार जो राजस्थान के अंदर है सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है, और इसके लिए जो सचिन पायलट जी है वो पूरी तरह से तैयार हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन के नाम से ये सब जनसभाएं कर रही है। और जो गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मनमुटाव की बातें हैं, तो इनका कहना है कि एक परिवार के अंदर ऐसी बातें चलती रहती है, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देखा गया था, कंधे से कंधे मिलाकर वे दोनों साथ चल रहे थे और उनके जो आला कमान थे वे भी उनको जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा ये है कि अब उनकी मन की दूरियाँ हैं जो वो ख़त्म हो गई है, और वे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखना होगा कि जो चुनाव होंगे उसके बाद जो मतगणना होगी उसके बाद में क्या रिजल्ट निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल जो हनुमानगढ़ के युवा हैं, किसान हैं, उनका मानना है कि सचिन पायलट के इस सम्मेलन के बाद में एक नया जोश और उमंग युवाओं के अंदर आएगी और जो कि सरकार बनाने के अंदर अपना पूरा सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।